सुपर, क्या दिख रहा है, कलर टेक्सचर एकदम परफेक्ट। रेस्टोरेंट में जैसे मिलता है ना चिली पनीर, वैसे ही हुआ है। बढ़िया दिख रहा है, टेस्ट भी बढ़िया आता है, एकदम क्रिस्प, और पनीर अंदर से सॉफ्ट काफ़ी रहता है। सुपर। पनीर एक ऐसी चीज़ है ना, आप किसी भी क्यूजिन में उसे डाल दो, वो उसकी एक अलग ही डिश, अलग ही पहचान बन जाती है। हे एवरीवन, मैं हूँ मधुरा एंड वेलकम टू मधुरा रेसिपी। आज हम बना रहे हैं परफेक्ट रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी चिली पनीर। तो चलिए सबसे पहले बैटर बनाएंगे चिली पनीर का, पनीर का कोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पर 1/4 कप मैंने लिया है मैदा, इक्वल प्रोपोर्शन हम लेंगे कॉर्नफ्लोर, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, नमक फॉर टेस्ट, सब अच्छे से मिला लेंगे। सुपर। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एकदम थिक बैटर बना लेंगे ताकि पनीर का कोटिंग अच्छा आ जाए इस बैटर का और वो क्रिस्पी हो जाए। चलिए बैटर बनकर तैयार है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, एकदम गाढ़ा बैटर मैंने बना के लिया है। अब हम इसे बस एक 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। ऐसे ही मसालेदार और जायकेदार रेसिपीज के लिए मधुराज रेसिपी को यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर मैंने लिए है पनीर क्यूब्स, फ्राइंग के लिए ऑयल भी गरम करके रखा है। अब ये बैटर वापस एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे ये पनीर के क्यूब्स। परफेक्ट। अब इसे हम डालेंगे तेल में। तो ये नॉइज़ मेरा बेटा कर रहा है, तो बेचारा, मैं आज अर्ली मॉर्निंग से शूट में हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 6, तो वो परेशान हो गया है। आई एम नॉट एबल टू स्पेंड टाइम विथ हिम, लेकिन बस दिस इज़ द लास्ट रेसिपी और फिर हम एक साथ खेलेंगे। अब अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है। चलिए ये पनीर हो गया अच्छे से फ्राई। अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर, एकदम बहुत ही क्रिस्पी हो गया, कुरकुरा। सुपर। और अब इसी प्रकार जो मेरा अगला वाला बैच है वो भी मैं फ्राई करूँ। अब बना लेंगे ग्रेवी। तो सबसे पहले जाएगा 2 चम्मच तेल, हाई हीट पर बनाना है हमें ये ग्रेवी भी। तेल गरम हो जाए उसके बाद इसमें डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, अदरक बारीक कटा हुआ, बस इसे 30 सेकंड के लिए हेड स्टार्ट देंगे, दैट्स इट। बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च, चिली पनीर है, इसे भी बस 30 से 40 सेकंड फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे क्यूब्ड प्याज और बिग चंक्स में कटा हुआ शिमला मिर्च। आप इसमें अलग अलग कलर के शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। इसे भी बस 1 मिनट के लिए टॉस कर लेंगे इस ऑयल में, क्रंच नहीं जाना चाहिए इन सब्जियों का। परफेक्ट।
अब इसमें जाएगा ब्लैक पेपर का पाउडर, काली मिर्च पाउडर, सोया सॉस, टोमेटो सॉस और एक चम्मच चिली सॉस। मिक्स करेंगे। अब ये सब सॉसेस अच्छे से मिक्स होने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर का स्लरी। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच पानी। मिक्स करकर ध्यान रहे इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए कॉर्नफ्लोर के। अब ये स्लरी जाएगी इसमें, क्विकली ये मिक्स करेंगे। अब ये हमारा सॉस बनकर तैयार है। अब सबसे लास्ट स्टेप, इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो ये तो ऑप्शनल है, अगर आपके पास विनेगर है तो विनेगर डाल सकते हैं, लेकिन मुझे विनेगर का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो मैं नींबू का रस ही हमेशा ऐड करती हूँ। और इसमें जाएगा अब ये जो हमने पनीर फ्राई करके रखा था वो। पनीर इस ग्रेवी में करेंगे टॉस। लवली। और हमारा ये चिली पनीर बनकर तैयार है। सबसे लास्ट स्टेप, इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ स्प्रिंग अनियन। बढ़िया दिख रहा है, टेस्ट भी बढ़िया आता है, एकदम क्रिस्प और पनीर अंदर से सॉफ्ट काफ़ी रहता है। सुपर्ब रेसिपी। अच्छी लगी यूट्यूब पर मधुराज रेसिपी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही चटपटी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। मधुराज रेसिपी।